मुरादाबाद के दिल्ली बरेली नेशनल हाईवे स्थित नगर पंचायत पागबड़ा के मुख्य मार्ग पर इन दिनों तालाब जैसे नजारे देखे जा सकते हैं, जिसके चलते वाहन चालकों के साथ साथ पैदल यात्रियों को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। नगर पंचायत पागबड़ा के आला अधिकारियों का ये कहना है कि नेशनल हाईवे राष्ट्रीय राजमार्ग का ये संपर्क मार्ग लोक निर्माण विभाग के अंडर में आता है और लोक निर्माण विभाग द्वारा इस संपर्क मार्ग को नगर पंचायत पागबड़ा की जिम्मेदारी बताई जाती है। दो विभागों के बीच फंसा ये मुख्य मार्ग इन दिनों अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है, तो वहीं इस रोड पर बने बड़े बड़े गड्ढे राहगीरों के लिए खतरा बनते जा रहे हैं। शायद ही कोई दिन ऐसा हो जिस दिन इस मुख्य मार्ग पर हादसा न होता हो। क्षेत्र की जनता द्वारा लगातार समाधान की मांग की जा रही है, लेकिन इस समस्या को कोई देखने वाला अभी शायद नहीं है। इस समस्या का समाधान कब होगा ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन समस्या अगर ऐसे ही बनी रही तो आने वाले दिनों में इस समस्या से जनहानि होने के साथ साथ एक सामाजिक हानि होने का खतरा भी क्षेत्रवासियों द्वारा महसूस किया जा रहा है। बरसात आने वाली है और बरसात में इस स्थान से निकलने का मतलब खतरे को दावत देने जैसा ही होगा। क्षेत्रवासियों द्वारा इस समस्या के समाधान की मांग की जा रही है। अब देखना ये होगा कि नगर पंचायत पागबड़ा के मुख्य मार्ग पर लोक निर्माण विभाग द्वारा क्या ध्यान दिया जाएगा। दो साल हो गए लगभग। किस तरह से आप निकलते हैं यहाँ से? ऐसे निकलते हैं, उधर पानी करके दाएं बाएं से निकलना पड़ता। मेहमान जो आते हैं आप लोग घर पे? मेहमान आते हैं, वो भी आप बोले कॉलोनी बहुत अच्छी है, वो भी लोग गालियां देते हैं, बोले ब्लैक कैसे रहे हो तुम यहाँ। क्या मांग रहेगी सरकार से आपकी? सरकार से मांग यही है हमारा रास्ता ठीक हो जाए, और जो बच्चे निकलते हैं स्कूल के लिए वो भी बहुत परेशानी से निकलते हैं, इधर आने जाना बहुत दिक्कत हो रही है, रास्ते की बड़ी परेशानी है। कितने दिन से परेशानी है ये? अरे भैया तो बड़े टाइम से परेशानी, जब से हमें आए हैं परेशानी परेशानी। क्या मांग रहेगी आपकी? अरे भैया रास्ता ठीक हो जाए ना। जोर कभी कोई आता है नगर पंचायत से देखने के लिए? नहीं आता भैया, कोई नहीं आता है।